हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। यूपी SSSC पेट एग्जाम 2022 के लिए आपकी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी प्यारे भाई बहन क्लास को शेयर कर देंगे और इस क्लास को सभी मित्र पूरा देखेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जानते हो गाइस कि देखा जाए आज हो चुके हैं 11 तारीख, यानी 11 के बाद कल 12, परसों 13 और चौथ रोज हो जाएगा आपका 14। यानी गाइस 12, 13 और 14 और आज का दिन ले लिया जाए तो 11, कुल मिलाकर के 4 दिन आपके पास समय है। और गाइस 14 तारीख क्या जोड़ा जाए, जिनका 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो तो गाइस 14 को ही अपने घर से निकल लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, कहा जाए तो मोटा मोटा 3 दिन आपके पास समय है, यानी कि मेरे प्यारे भाई बहुत ही कम समय है, आपको अपनी तैयारी में थोड़ा धार और देना चाहिए। हम आपके लिए और भी कोशिश कर रहे हैं। अब आपको गाइस दिन भर में मैं 7-8 क्लासेस दे देता हूं। जैसे आप जानते हैं आपकी सुबह गाइस 9 बजे क्लासेस हो जाती हैं, कभी कभी आपकी 8:30 बजे हो जाती है, 11 बजे होती है, 3 बजे होती है, 5 बजे होती है, 7 बजे होती है, 8 बजे होती है। मेरे प्यारे भाई सारी क्लासेस आपको मिलती हैं, क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम नज़दीक है। फिलहाल चलिए अब देर ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बताएंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है। थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन जो है ना, ये गाइस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ईजी, राइट हो जाएगा। देखो गाइस कौन सा इसमें नहीं मिलता है, देखो अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलायड, ये गाइस हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में मिलता है, लेकिन जो गाइस यहाँ पर नेग्रिटो है ये नहीं मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला, बौद्ध संघ स्थिरवादी तथा महासांघिक जैसे दो महाभागों में टूटा था। अब आपको बताना है किस धर्मसभा में, राइट हो जाएगा द्वितीय धर्मसभा में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, मनसबदारी प्रणाली में टू अस्पा सिंह अस्पा श्रेणी की स्थापना किसने की थी, राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जहांगीर ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बताएंगे, इसके लिए आप गाइस 4 से 5 सेकंड का समय ले लीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पौंडीचेरी की संधियाँ हुई थीं, यहाँ पर आपका ए का मिलान हो जाएगा 2 से। फिर देखो जो द्वितीय एंग्लो मैसूर का युद्ध हुआ, इसमें गाइस मंगलौर की संधि हुई, ये हो जाएगा आपका 4 से। जो तृतीय एंग्लो मैसूर का युद्ध हुआ, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, ये हो जाएगा आपका 3 से। जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, इसमें गाइस साल बाई की संधियां हुई थी, यानी ये हो जाएगा आपका 1 से। कुल मिलाकर के आपका पहले 2, फिर 4, फिर 3 और फिर 1, तो 2, 4, 3, 1, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगलों से जो सूबेदारियाँ प्राप्त की थी वह हैं। क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगलों से जो सूबेदारियां प्राप्त की वह कौन सी हैं, राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र वो हो जाएगा आपका गुजरात तथा मालवा, ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असन की उपाधि किसे दी गई थी, नादिर उल असन की उपाधि जो है ये किसे दी गई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उस्ताद मंसूर को, ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन से युद्ध के साथ ही अंग्रेजी आधिपत्य की फ्रांसीसियों से चुनौती समाप्त हो गई, और मैंने आपको गाइस क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था कि ये जो आपके प्रैक्टिस क्लास है ये गाइस कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल है, तो इसीलिए गाइस ये क्वेश्चन जो है आपका, यानी कि ये प्रैक्टिस जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो इस क्लास को आप स्पीड बढ़ा करके बिल्कुल भी ना देखिएगा, और दूसरी क्लास आप स्पीड बढ़ाकर देखें कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप स्पीड बिल्कुल भी ना बढ़ाइएगा, ठीक है। कौन से, इसीलिए गाइस मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन कंठस्थ हो जाए। कौन से युद्ध के साथ ही अंग्रेजी आधिपत्य की फ्रांसीसियों से चुनौतियाँ समाप्त हो गईं? सही आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी गवाह कौन थे? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बताएंगे। सन 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो उस समय गए जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पंडित काशीराज, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। निम्न चार महत्वपूर्ण युद्ध भारत में अलग अलग काल में लड़े गए, इन युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर। गाइस मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसका कारण है क्योंकि क्वेश्चन आपके थोड़े से गाइस डिफिकल्ट लेवल हैं, या कहा जाए क्वेश्चन आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन कंठस्थ हो जाए, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है इसमें, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, वो हुआ था खानवा का युद्ध। कब हुआ मेरे प्यारे भाई? ये हुआ 1527 में। कब हुआ? सॉरी 1527 में, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई जो चौसा का युद्ध है ये उसके बाद हुआ, और उसके बाद हुआ गाइस 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध, और उसके बाद हुआ था धर्मत का युद्ध। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4, 1, 3 और 2 करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? क्वेश्चन नंबर 10, वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन बी हुमायूं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। देखो गाइस, जो ग्रेट हिमालय है ये नेपाल से है, महाभारत श्रृंखला ये भी नेपाल से है, शिवालिक श्रृंखला ये भी नेपाल से है, लेकिन जो गाइस यहाँ पर अराकान योमा है ये गाइस नेपाल से नहीं है। तब यह किससे है? तो याद रखिएगा ये गाइस है म्यांमार से। किससे है? म्यांमार से है। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह नदी कौन सी है? कहने का मतलब कुल मिलाकर के यह है, हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर निर्मित है? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा महानदी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए महानदी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, खाम सिंह निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? खाम सिंह जो है या किस देश की स्थानीय पवन है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मिस्र की। करेक्ट हो जाएगा डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाने वाला जलीय निकाय क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाने वाला जलीय निकाय। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा बिस्के की खाड़ी, ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में है वह है?
कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ब्लू माउंटेन जो पर्वत शिखर है ये गाइस कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मिजोरम में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई? मिजोरम में है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? राइट हो जाएगा आपका देखो प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार परीक्षा। इसमें गाइस है लेकिन व्यादेश जो है ये आपका नहीं है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किस अनुसूची में है? कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि दल बदल ये जो है गाइस इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर 10वीं अनुसूची में। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 18। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैंने एक बार भी नहीं कहा है आपसे कि आप क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस मैं ये जानता हूँ कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारी मेहनत देख रहे हैं वह सभी मित्र क्लास को लाइक कर चुके हैं, कहने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो गाइस मैं क्या कहूँ, जब आपने क्लास को लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि गाइस सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा, कोई भी नई क्लास अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? राइट हो जाएगा 1971 में, यानी 1971 में। अगला आपके सामने, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? क्वेश्चन नंबर 20। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है यह कब स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे राइट क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कब स्थापित किया गया था? 1956 में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा 11। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गाइस आगे दिया गया है वो दिया गया है समिति, और गाइस बाद में दिया गया है उनसे संबंधित, मिलान करके आपको सही आंसर बताना है। देखो गाइस, जो गोई पोरिया समिति है इसका संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से है। बहुत बढ़िया। नान जुन दप्पा समिति जो है इसका संबंध रेलवे किराया से है। बहुत बढ़िया। जो गाइस रंग राजन समिति है इसका संबंध भुगतान संतुलन से है। बहुत बढ़िया, गजब।
रेखी समिति, इसका संबंध निर्यात और आयात के सरलीकरण से है। बहुत गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि गाइज इसका संबंध जो है रेखी समिति का, इसका संबंध जो है मेरे प्यारे भाई ये है अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है मेरे प्यारे भैया? अप्रत्यक्ष कर से। तो यहाँ पर गाइस आपका होना चाहिए था अप्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए एंड नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल्दी से आंसर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, सही सुमेलित आपको यहाँ पर करना है, थोड़ा सा समझिएगा। देखो भाई, जो इको मार्क है यह पर्यावरण की गुणवत्ता दर्शाता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ईको मार्क जो है मेरे प्यारे भाई ये होता है पर्यावरण की जो गाइस अनुकूल वस्तुएं होती हैं उस पर इसका चिन्ह लगाया जाता है। दूसरी बात, जो गाइस हाल मार्क है ये जो है गाइस ये लगाया जाता है स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता बताने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। रग मार्क जो है गाइस ये बालाश्रम प्रतिशोध पर लगाया जाता है। ठीक है, और जो गाइस एग मार्क है ये कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहले एक, फिर तीन, फिर दो और चार। एक, तीन, दो, चार, यानी ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपके सामने वही क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है, 25 का क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ पर स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित वस्तुएँ दी गई हैं और यहाँ पर आपके सामने कूट भाषा दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा, देख लो कहाँ गया, ये देख लो। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले जो सिंगरौली है इसका है गाइस आपका कोयला से, जो कजराहट है गाइस इसका है सीमेंट से, कोयली जो है गाइस इसका है तेल से, और आनंद जो है इसका नहीं, जो गाइस कोयली है इसका है दूध से और आनंद का है तेल से। तो गाइज यहाँ पर 3, 4, 2, 1 आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, कौन सा इसमें ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाक से आंसर देंगे। अब देखो मेरे प्यारे भाई, कैलोरी है, जूल है, BTU जो है मेरे प्यारे भाई, BTU जो है, BTU, ये भी गाइस आपका ऊष्मा की इकाई है, लेकिन फोन जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है, क्वेश्चन नंबर 27। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कमरे के ताप पर जो तरल होगी होगी ब्रोमीन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है, राइट हो जाएगा यहां पर आपका CaCO3 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 29 राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा जनित्र, उसे क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है, ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को और किस नाम से जाना जाता है, ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को और किस नाम से जाना जाता है। और एक बात आपको और बता दें कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा गाइस आप इस क्लास को पहले तो नॉर्मल में देखिए और उसके बाद जब PDF दे दूंगा तो आप गाइस PDF से रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको तुरंत देखना है तो इसके बाद वीडियो की स्पीड 2 गुनी करके आप दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप रिवाइज भी कर सकें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को और किस नाम से जाना जाता है, जाना जाता है गाइस पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, इंग्लिश में, इंग्लिश का क्वेश्चन है। पहले गाइस आपके सामने निर्देश दिया गया है, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड,
गाइस वर्ड दिया गया है एडवांस, इसका एक्सप्रेस वर्ड जो है ये क्या होगा आपको चूज करना है, क्या होगा यहाँ पर आपका मेरे प्यारे भाई हल जो है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दिया गया है चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ आइडम स्पीच, यानी यहाँ पर जो गाइस दिया गया है अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे इसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन नंबर 62 बताएंगे। अ रेड लेटर डे कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई महत्वपूर्ण दिन, क्या होता है महत्वपूर्ण दिन, जैसे गाइस हमारे भारत में 15 अगस्त जो है ये महत्वपूर्ण दिन है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस एन इंपॉर्टेंट आर जॉयफुल ओकेजन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। गाइस फिर दिया गया है पैसेज 63 से 65 तक के प्रश्नों को हल करना है, पहले पैसेज को केयरफुली तरीके से पढ़ना है, आइए जल्दी से इसे हम पढ़ लेते हैं। अ मैन यूजली वी नन बाय द बुक्स ही रीड्स एच वेल एच बाय द कंपनी ही कीप्स फॉर देयर इज अ कैंपियनशिप ऑफ बुक्स एच वेल एच ऑफ मैन एंड वन शुड ऑलवेज लिव इन द बेस्ट कंपनी वेदर इट बी ऑफ बुक्स और ऑफ मैन A good book may be among the best of friends. It is the same today that it always was and it will never change. It is the most patient and cheerful of companions. It does not turn its back upon us in times of adversity or distress. It always receives us with the same kindness, arousing and interesting us in youth, comforting and consoling us in age. Guys, ये थोड़ा सा दिया गया था। Related question है, which of the following statements is not true? यानी कि इसमें कौन सी guys अवधारणा सही नहीं है? Question number 63. देखो guys, यहाँ पर जो लिखा गया है, मिलान कीजिएगा। Sometimes we may have to be patient with the books as it may bore us. ये आपका गलत है। Option C आपका यहाँ पर सही नहीं है। अगला which one of the following would be the most suitable title for the passage? यानी कहने का मतलब है गाइज कि इस पैसेज का जो सबसे अधिक उपयुक्त suitable title होगा, शीर्षक होगा, वह क्या हो सकता है? क्या हो सकता है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स इन ओल्ड एज, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने अ बुक्स इज ए या एन, मेरे प्यारे भाई अ बुक्स इज क्या होगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्या हो जाएगा अ बुक्स इज अ कंपेनियन, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। गाइस हिंदी से संबंधित है 66 तक के प्रश्नों को, 70 तक के प्रश्नों को हल करना है, गद्यांश को पहले पढ़ना है, आइए जल्दी से इस गद्यांश को पढ़ करके इसके प्रश्न को भी खल्लास कर देते हैं। लेकिन आप भी इस गद्यांश को पढ़िएगा, ये थोड़ा लंबा सा गद्यांश है, चौड़ा सा गद्यांश है, बहुत लंबा है गाइस, ठीक है। देखो जितना ज़्यादा लंबा गद्यांश होता है उतना ही ज़्यादा सरल होता है, तो मेरे प्यारे भाई आइए पहले इस गद्यांश को एक अच्छे क्रम में अच्छे ढंग से आसानी से धीरे से पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ना शुरू करो। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है और दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है, उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था पर व्यूह खड़ा होता है। जो समाज अपनी वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रत्ययीमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका परिणाम आज दिख रहा है, चोरी करना बुरा है परंतु पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं। झूठ बोलना बुरा है पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचरण हैं। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। ये गाइस आपका गद्यांश रहा, रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने। सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यकता होती है एक विशेष दर्शन बनाने की, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि समाज के लिए दर्शन महत्वपूर्ण है क्यों?
क्योंकि गाइज समाज के लिए दर्शन महत्वपूर्ण है, इससे समाज की व्यवस्था संचालित तो होती है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, समाज में जीवन प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर नहीं चल सकता, आखिर क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई आपने अभी देखा कि एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित हो सकती है। जैसे आपने देखा कि जो गांव में बातें हो रही हैं, जो घर में बातें हो रही हैं, या गाइस कहा जाए घर के परिवार के साथ, परदेशी के साथ, विदेशी के साथ या देशवासियों के साथ अलग अलग तरीके से बर्ताव करना, तो वही बात है कि एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित हो सकती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? देखो मैं एक बात आपको और बता दूं गाइज कि गद्यांश को पढ़ने से एक फ़ायदा आपका ये होता है कि आप गाइज जो गद्यांश दिया होता है, जो आपका पैसेज दिया होता है, उसका आप सूटेबल टाइटल जो है या उपयुक्त शीर्षक जो है गाइज ये आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई पहले ध्यान से गद्यांश पढ़ लिया करो और उसके बाद आंसर करा करो। तो देखो इसका जो गाइज सबसे ज़्यादा सुइटेबल टाइटल होगा वो हो जाएगा दर्शन और सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 70। बहुत बढ़िया, अनुचित। अनुचित यानी कि गाइज अन धन उचित, क्या होगा? अन धन उचित, यहाँ पर अन हो जाएगा आपका उपसर्ग, उचित हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर अन जो है ये आपका उपसर्ग है, राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध दिए गए हैं? ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध आपसे कह रहा है, यानी इसमें किस विकल्प या किस समूह में सभी शब्द गलत दिए गए हैं? देखो गाइस सबसे पहला ऑप्शन अंत साक्षर, ये पहला ही आपका गलत है गाइस, अंतर साक्ष गलत लिखा गया है। ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, किस क्रमांक में इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? अब मेरे प्यारे भाई इस इंदिरा, इंदिरा और इस इंदिरा का मतलब क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, इस इंदिरा का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई वो होता है लक्ष्मी। इंदिरा का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। और इस इंदिरा का मतलब होता है वो होता है इंद्र की पत्नी सची। इंदिरा का यहाँ पर इस इंदिरा का मतलब है जो इंद्र की पत्नी है, इंद्र की वाइफ रही होंगी सची, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। और इस इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी। तो यहाँ पर इस इंदिरा का लक्ष्मी और इस इंदिरा का हो जाएगा इंद्र की पत्नी सची। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन आपसे कह रहा है गाइस कि इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, आपसे शुद्ध वाक्य के चयन करने की बात कर रहा है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझने के बाद आंसर देंगे। शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 पहला देखो, छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, ये गाइस आपका वाक्य जो है छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, गलत है आपका ये। धनी राम की सौभाग्यांचड़ी पुत्री का विवाह कल होगा, सौभाग्य के आकांक्षी जो हैं पुत्री उनका विवाह कल होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी कुछ सही लग रहा है, लेकिन और देख लेते हैं। विद्यालय में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, ये आपका गाइस गलत है। राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है, ये भी गलत है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा मुहावरा सही अर्थ युग्म सही नहीं है? कौन से मुहावरे अर्थ का युग्म सही नहीं है? एक आँख से देखना, एक आँख से देखना, मेरे प्यारे भाई भेदभाव करना, क्या यह सही लिखा गया? बिल्कुल गलत, क्योंकि मेरे प्यारे भाई एक आँख से देखना ये गाइस आपका हो जाएगा एक ही, मतलब एक ही गाइस तरफ देखना या कहा जाए तो, मतलब गाइस अनुचित न्याय करना, कुल मिलाकर की बात ये है, ठीक है। तो एक आँख से देखना यानी भेदभाव करना ये आपका गलत दिया गया है। मुट्ठी में करना वशीभूत करना, बहुत बढ़िया। दूध का धुला होना यानी निष्कलंक होना, बहुत बढ़िया। गाल बजाना यानी बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, बहुत बढ़िया। सही सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपके सामने सूची फर्स्ट में रचनाएं दी गई हैं और बाद में रचनाकार दिए गए हैं, मिलान करके आपको सही उत्तर बताना है। 75 का राइट आंसर।
अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले गुनाहों का देवता जो है यह धर्मवीर भारती का, बहुत बढ़िया गजब है। फिर से गाइस अगला देखो, अगला क्या है गाइस, चिंतामणि। ये जो है गाइस ये निबंध है रामचंद्र शुक्ल का, बहुत बढ़िया। ध्रुव स्वामिनी जो है मेरे प्यारे भाई, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। स्मृत की रेखाएं जो है गाइस ये चलचित्र है महादेवी वर्मा जी का। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहले 4 3 2 1 यानी उल्टे क्रम में है, 4 3 2 1 यानी ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब आपका आ गया यहाँ पर गद्यांश, फिर से अगला है 76 से 80 तक के प्रश्नों को कवर करना है। आइए गाइस इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपका गद्यांश दिया गया है थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। यह सर्वविदित है कि मानवता का सबसे घोर शत्रु विज्ञान नहीं वरन युद्ध है। विज्ञान मात्र विद्यमान सामाजिक शक्तियों को प्रतिबिंबित करता है। स्पष्टतः विज्ञान शांति के दौर में रचनात्मक होता है और युद्ध काल में यही विनाश का रूप ले लेता है। प्रायः विज्ञान द्वारा प्रदत्त अस्त्र युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वह युद्ध को अत्यधिक भयावह बना सकते हैं। अभी तक ये अस्त्र हमें विनाश के कागार तक ले आए हैं, अतः हमारी मुख्य समस्या विज्ञान को प्रतिबंधित करना नहीं बल्कि युद्ध रोकना है। बल प्रयोग के पर विधि एवं राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में अराजकता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। ऐसे प्रयास में सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं। अब हमारे समक्ष का यह प्रश्न मुख खोले खड़ा है, क्या शिक्षा एवं सही सुनता सौहार्द एवं रचनात्मक सोच हमारी विनाशकारी क्षमताओं के साथ जारी प्रतिस्पर्धा में कभी जीत सकती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी भी कीमत पर हमें इस पीढ़ी में अवश्य ही ढूंढना होगा। विज्ञान को हमें समाधान ढूंढने में सहायता करनी होगी, परंतु प्रमुख निर्णय की क्षमता हम सभी को स्वयं विकसित करनी होगी। गद्यांश रिलेटेड क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार हमारी मुख्य समस्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 76, बताएंगे राइट आंसर। गाइस जो मुख्य समस्या है वो है युद्ध समाप्ति सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। युद्ध रोका जा सकता है यदि क्या हो, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 77। युद्ध रोका जा सकता है यदि विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति द्वारा हम बल प्रयोगियों एवं अराजकता के ऊपर नियंत्रण पा जाएं। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। विनाशकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु क्या आवश्यक है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर आप देखो, जो शिक्षा और सौहार्द है और अंतर्दृष्टि एवं रचनात्मक चिंतन है, ये गाइस दोनों के दोनों आपके आवश्यक हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी 2 एवं 3 दोनों आपका सही हो जाएगा। अस्त्र हमें विनाश के कागार तक ले आए हैं। अस्त्र का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? जैसे आपने पढ़ा होगा अस्त्र और शस्त्र, तो मेरे प्यारे भाई अस्त्र का मतलब क्या होता है? अस्त्र का मतलब मैंने आपको समझाया है पहले भी, तो अस्त्र का मतलब होता है जिसे फेंक कर चलाया जाए, जैसे भाला गाइस आपका फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है? तो गाइस ये हो जाएगा अस्त्र, और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए वो होता है आपका शस्त्र। अगला, युद्ध काल में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 80। देखो मेरे प्यारे भाई, युद्ध काल में इसमें समास कौन सा है, वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीमा बनाते हैं? वो बनाते हैं मेरे प्यारे भाई कुल मिलाकर के 3। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गाइस कजाकिस्तान की राजधानी जो है इसे बदल करके क्या कर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 82। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, क्या कर दिया गया है याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा नूर सुल्तान। क्या कर दिया गया है? नूर सुल्तान, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय तटरेखा से लगा सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा सबसे बड़ा गाइस है वो है गुजरात, सबसे छोटा है गोवा। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है?
सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बागपत, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्राथमिक प्रदूषकों का वैश्विक उत्सर्जन किसके मामले में अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 85 बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल जो है ये किसे अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, राइट हो जाएगा लक्ष्मी, लक्षद्वीप और मिनी काय को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला क्रमशः है, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 87। मेरे प्यारे भाई, गला बैठ गया है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि क्या जी जान शिद्दत मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक कर दिया करो। अब देखो गाइस, यहाँ पर जौनपुर जो है सबसे गाइस कहा जाए तो अधिक लिंगानुपात वाला है, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, सही सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 88 बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है यहाँ पर, वो है गाइस गौतम बुद्ध नगर, बहुत बढ़िया। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो है श्रावस्ती, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, 3, 2, 4, 1, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है आपसे कह रहा है। देखो, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, बहुत बढ़िया। इको नॉलेज पार्क प्रयागराज में है, बहुत बढ़िया, गजब। अब देख लेते हैं यहाँ पर सी नंबर में क्या दिया गया है, वो भी आप देख लो। मस्तिष्क ज्वार उन्मूलन केंद्र गोरखपुर में है, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। और यहाँ पर जो गाइस निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, ये आगरा, आगरा में नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये बृहत नोएडा में है। कहाँ पर ये है, नोएडा में, कहाँ पर है, नोएडा में। तो यहाँ पर आगरा न दे करके नोएडा दिया होता तो सही हो जाता। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 90 है, इसका देख लीजिए गाइस, जी सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग चीनी उद्योग, क्या यह सही है, चीनी उद्योग नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। गाइज, ये बढ़ गया है 95 लाख और 40 लाख, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले जो गाइज लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं उनके लिए 95 लाख एंड जो विधानसभा उनके लिए गाइज 40 लाख, ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। अगला, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की किस योजना के लिए $1.75 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत को 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद जून 2022 को भारतीय नौसेना के किन जहाजों को सेवा मुक्त कर दिया गया, सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा INS निशंक एंड INS अक्षय, करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारतीय एयरटेल, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95,
राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा फ्रंटियर, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, हाल ही में भारत की पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहाँ किया गया? राइट हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, हाल ही में G20 के लिए भारत का नया सरपंच जिसे चुना गया है। गाइस जो G20 के लिए भारत का नया सरपंच चुना गया, वो चुना गया है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा, अमिताभ कांत को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू किया? राइट हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सही सुमेलित कीजिए योजना और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने कूट भाषा दी गई है, मिलान करके आपको इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा आपका इससे, तो देखो गाइस, ये जो दलित बंधु योजना है इसका संबंधित तेलंगाना से है। कौशल्या मातृत्व योजना ये जो है गाइस, ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। जो मातृत्व उद्यमिता योजना है गाइस, ये है आपका हरियाणा से। और जो गाइस है आमा योजना, बाहनी योजना, ये है सिक्किम से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3, 4, 1, 2 देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा एयरपोर्ट पवन ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया? राइट हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका उत्तर माला गाइस, ये आपको फुल पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये कब मिलेगी मेरे प्यारे भाई, तो इसकी पीडीएफ आपको कल सुबह मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी आपकी सारी क्लासेस हुई हैं, सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको कल सुबह टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई UP SSC PET की प्रैक्टिस क्लास जो है ये आपको समय से मिला करे। मेरे प्यारे भाई, लगे रहिए जी जान शिद्दत के साथ, इस बार UP PET एग्ज़ाम में आपको गाइस 90+ स्कोर करके आना है, ये आपके अंदर टारगेट होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये गाइस ऊपर वाले से मेरी दुआ है। और गाइस आप एग्जाम में बिल्कुल कहा जाए तो अपना दिमाग स्थिर करके जाइएगा, बिल्कुल गाइस कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी जी जान शिद्दत के साथ की है, तो गाइस उसका फल जरूर मिलेगा। कहते हैं आज की मेहनत बताती है कल का परिणाम कैसा होगा, वरना कल का परिणाम बता देगा आज की मेहनत कैसी थी। तो बात बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, मेहनत कीजिए ताकि आने वाला परिणाम जो है आपका बहुत ही अच्छा हो, रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा आए। बस आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई और इससे भी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।